जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेब अब्बास है। ज़राअत से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे धान की फसल में जो मुंजर होता है वो खाली क्यों आ जाता है। ये देख रहे होंगे आप कि मुंजर खाली है, इसकी दो रीज़न्स हो सकती है। एक रीज़न्स हो सकती है कि इसमें फंगस हो, दूसरी हो सकती है इसमें बोरर हो। ठीक हो गया, ये मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। ये निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली बोरर है, फंगस तो नहीं है, इसमें बोरर है। जी अब मैं तो जी ये देख सकते हैं इसमें बोरर है, तो बोरर ने ये नीचे से खा लिया, ये देख सकते होंगे इसमें बेसिकली बोरर है, इसीलिए ये मुंजर खाली है। अगर दो रीज़न्स हो सकते हैं, एक तो फंगस हो सकते हैं, दूसरी बोरर हो सकती है। इसमें बोरर है तो इसीलिए ये मुंजर खाली है। इसके लिए हम कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ करें, ये देख रहे होंगे मुंजर खाली है, तो इसके लिए हम कौन सी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए तो आप या क्लोर इंट्रानीली क्लोर दानेदार छट्टा करें फिर एकड़ पर, अगर वो आप नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए स्वीट फार्म फिप्रोनिल छटा करें। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप मोनोमी हाइपो एक बैग फी बिघे पे छटा करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा।